भैया जी, क्या आपको पता है कि मिल्क पाउडर कैसे बनता है? हम लोग सालों से मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे बच्चों के लिए लैक्टोजन हो या हम चाय प्रेमियों के लिए टी मेकर मिल्क पाउडर। और शायद आपके मन में यह सवाल कभी ना कभी तो जरूर ही आया होगा कि आखिर मिल्क पाउडर कैसे बनता है और क्या इसे हम अपने घर पर भी बना सकते हैं। इसका जवाब आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम मिल्क पाउडर बनाने की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखेंगे। तो सबसे पहले इन बड़े बड़े काउ फार्म्स में से दूध को निकाला जाता है और फिर इन्हें बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन टैंकरों में भरकर दूध को फैक्ट्रियों में लाया जाता है। यहाँ पर लाने के बाद सबसे पहले दूध की जाँच करी जाती है और फिर क्वालिटी असॉर्ट करने के बाद इन्हें बड़े बड़े टैंकर्स में 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर कर दिया जाता है, ताकि बाद में आगे के इस्तेमाल के लिए इसे निकाला जा सके। अब आपको पता होगा कि कच्चे दूध में बहुत तरह के बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, तो इनको खत्म करने के लिए दूध को मिल्क पैस्चराइजिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसके लिए दूध के टेम्परेचर में अचानक बदलाव लाकर उसमें मौजूद हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारने को ही पैस्चराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो आइए जानते हैं इस प्लांट में दूध को पैस्चराइज कैसे किया जाता है। सबसे पहले दूध को एक ऐसी पाइपलाइन से पास कराया जाता है जिसका टेम्परेचर हर 15 सेकंड में बदलता रहता है। मतलब पहले 15 सेकंड तक पाइप का टेम्परेचर 76 डिग्री सेल्सियस हो सकता है और आगे टेम्परेचर को घटाकर 4 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। ऐसे ही घंटों तक यह प्रोसेस चलती रहती है, जिससे इसमें मौजूद सारे हार्मफुल बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और दूध के फटने या खराब होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो अब ये पैस्चराइज्ड मिल्क बढ़ते हैं अगली प्रोसेस की तरफ, जो कि है होमोजेनाइजेशन। ये पैस्चराइज्ड मिल्क इन होमोजेनाइजेशन मशीन में पहुंच जाते हैं। इस प्रोसेस में होता ये है कि दूध में जो फैट और प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स अच्छी तरीके से घुले हुए नहीं होते हैं, उन्हें इस हाई स्पीड रोटेटिंग मैकेनिज्म से गुजारा जाता है, जिससे दूध में ये मॉलिक्यूल्स इक्वली स्प्रेड हो जाते हैं। अब इस होमोजेनाइज्ड और पैस्चराइज्ड मिल्क को एक वैक्यूम चैम्बर में डालकर लो टेम्परेचर पर इवेपोरेट किया जाता है, ताकि दूध का टेस्ट बरकरार रहे। इस मेथड से दूध का 80% मॉइस्चर गायब हो जाता है। तो अब फाइनली ये दूध मिल्क पाउडर बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे की प्रोसेस के लिए इसे स्प्रे ड्रायर मशीन में भेजा जाता है। इसमें दूध को इस मशीन के द्वारा नीचे टैंक में स्प्रे किया जाता है और उस टैंक में 300 डिग्री सेल्सियस गर्म हवा को पास कराया जाता है, और इस गर्म हवा के कारण दूध में मौजूद सारा मॉइस्चर सूखकर एग्जॉस्ट पाइप के जरिए बाहर निकल जाता है और नीचे सूखा मिल्क पाउडर बैठ जाता है। इस तरह से टी मेकर मिल्क पाउडर तैयार हो जाता है। और बच्चों के लिए जो अलग अलग कंपनीज मिल्क पाउडर बनाती है उसमें और इस मिल्क पाउडर को बनाने की प्रक्रिया में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। बस बच्चों वाले मिल्क पाउडर में होमोजेनाइजेशन और पैस्चराइजेशन प्रोसेस के बाद उसमें विटामिन्स और मिनरल्स को ऐड करा जाता है, उसके बाद बाकी सारा प्रोसेस सेम ही होता है। इसी प्रकार से दूध को स्प्रे ड्रायर की मदद से मिल्क पाउडर में बदला जाता है। तो अब मिल्क पाउडर अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब इसको पैकिंग सेक्शन में भेजा जाएगा। यहाँ पर इसे अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से पैकेट्स और डब्बों में पैक कर दिया जाएगा। दोस्तों, हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि क्या हम मिल्क पाउडर को अपने घर पर भी बना सकते हैं। तो हाँ, आप बड़े आराम से मिल्क पाउडर को अपने घर पर भी बना सकते हैं। जानते हैं कैसे। सबसे पहले आप दूध को गर्म करके उसका खोवा तैयार कर ले, उसके बाद उसे धूप में अच्छी तरीके से सुखा कर कड़ा कर ले, ताकि उसमें से सारा मॉइस्चर चला जाए। और जब वह कड़क हो जाए तो उसे मिक्सी में डालकर अच्छी तरीके से पीस कर उसका पाउडर बना ले। इस तरह से आप घर पर भी मिल्क पाउडर को तैयार कर सकते हैं। हालांकि बाजार के मिल्क पाउडर और घर के बने मिल्क पाउडर के स्वाद में अंतर तो होगा ही। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना फैक्ट्रियों में मिल्क पाउडर कैसे बनता है और आप घर में मिल्क पाउडर कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक्स पर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। अब आपके स्क्रीन पर दो वीडियो और दिख रही होगी, दोनों वीडियो बहुत अच्छी है। वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को जरूर देख लें।